प्लीज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेज पंखा। तो गाइस अभी मैं ऑफिस में था, ऑफिस से निकल रहा हूँ क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे। ऐसा नहीं है यार कि शादी हो गई, बच्चा हो गया तो वैलेंटाइन डे नहीं बनाएंगे, हम पहले की तरह ऐसे ही हैं, एज ए कपल ही रहेंगे। और मैं आज बंटी को दूंगा सरप्राइज़। मैं ऑफिस से जल्दी निकल रहा हूँ, टाइम हो गया 1:44। तो पहले मैं लूँगा गुलाब, यानी कि एक रोज़ बंटी के लिए, और चॉकलेट, और फिर देंगे सरप्राइज़। जाके बंटी का रिएक्शन देखेंगे कैसा है। गाइज़ यहाँ पर मैं आंटी से रोज़ ले रहा हूँ, और वैसे नॉर्मली ये रोज़ आंटी 20 रुपये का देती हैं, आज 100 रुपये का रोज़ है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से रैप करवाया है और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया है, मतलब थोड़ा अच्छा लगे, बंटी को पसंद आए। और आंटी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, आप देख सकते हैं इस एज में भी, और इसको देखते हैं कैसा बनाती है। रोज़ जो कि मैंने आंटी से लिया है, ये मैंने पन्नी में डाल दिया। अभी मैं आया हूँ चॉकलेट लेने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चॉकलेट मिलती है, कलेक्शन अच्छा मिलता है। बाहर तो वही डेरी मिल्क मिलती है, यहाँ देखते हैं कोई अच्छी सी चॉकलेट, और फिर बंटी के लिए चॉकलेट लेके निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर मोस्टली सिल्क वाली हैं, तो मैं बंटी की जो फेवरेट है अमूल वाली मिल्क चॉकलेट ये ले लेता हूँ, मिल्क चॉकलेट। सारी डेरी मिल्क की सिल्क वाली हैं और बबल वाली हैं, जो कि बंटी को कोई सी भी इनमें से पसंद नहीं है, ना ही डार्क चॉकलेट पसंद है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन में बस यही बचती है, मिल्क चॉकलेट, और तो कुछ इसमें से दिख नहीं रहा मेरे को ऐसा। मैं पहुंच गया हूं घर के बाहर, अभी कर लेता हूं एंट्री। ये बंटी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, लॉक अंदर से लॉक है। ये दिस इज फॉर यू। अरे ऑफिस में, ऑफिस से आ गया तो बताया क्यों नहीं, सरप्राइज डुगू को साथ लेके। ऐसा वैलेंटाइन डे देखो, माँ बेटा दोनों आए हैं वैलेंटाइन डे गिफ्ट लेने। अरे दो रोज आए, एक मम्मा के लिए, एक बेटे के लिए। यस, एक डुगू के लिए। अरे डुगू कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो बताते तो सही आ रहे हो, जो मुझे पता था पाओगे। कैसे पता था? क्योंकि आपने लंच में मुझे फोन नहीं किया। तुम क्या पता मैं लंच लेट करूं? मैं 100% श्योर थी, लेकिन कभी ऐसे करते नहीं हो तो मैं सोचती हूँ मुश्किल है। आप सोचे आए तो होगा पर खाली हाथ आएगा, है ना? लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं आया। अरे चॉकलेट आ गई अपनी तो। आप क्या सोचे बेबी हो गया, बस गया वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेगा अपना वैलेंटाइन डे। थैंक यू। यस बोलिए कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? अच्छा लगा। देखा मैं आपके लिए ऑफिस से भी आ गया छुट्टी करके। तो आपको आना चाहिए, आना ही था। वैलेंटाइन डे पे नहीं आओगे तो? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वैलेंटाइन डे रात को भी बन जाता। रात को तो अब इसके साथ, परीक्षित के साथ रात को थोड़ी कर पाएंगे बाहर एंजॉय। अरे परीक्षु रात को बाहर नहीं जा सकते आप? अरे परीक्षु पापा जी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। नींद में जब बड़ा होगा तब देखेगा। तो गाइस अभी मैंने लंच भी नहीं किया है, पहले करूंगा लंच, फिर डिनर तो आप बाहर करवा के ही लाओगे, इसीलिए तो जल्दी आया हूँ। क्या रोज आपकी तरफ से डिनर? मेरी तरफ से डिनर परीक्षु की तरफ से। परीक्षु क्या खाएगा बेटा? और परीक्षु ने आज मासी की स्वेटर पहनी है, मासी ने दी थी इसके लिए। सुंदर लग रही है भाई, मोटू मोटू लग रहा है इसमें तो, है ना भाई? तो गाइस ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे है परीक्षु के साथ। अच्छा हनी, मैंने आपसे डायपर मंगवाए थे रोज लाए। झंड मत करो, ठीक है? मैंने ये सोचा डाइपर तो जाके भी ले आएंगे, ये सरप्राइज देना था। अब एक हाथ में डाइपर होता है, एक हाथ में रोज होता, फिर वो सरप्राइज थोड़े होता है। सरप्राइज वो ज्यादा अच्छा होता है ना, बच्चे के लिए भी लाना था कुछ तो। डाइपर अब लाएंगे ना, बाहर जाएंगे जब डिनर करने। अब आएगा बाबू का डाइपर, आज जाएंगे बाहर डिनर करने, चलोगे ना परीक्षु? पाई पाई करते। अले पापा जी, तो बताओ कैसा लगा फिर आपको? आपको उम्मीद थी कुछ आपको ऐसा गिफ्ट मिलेगा डुगू होने के बाद? मैंने सोचा अब तो आप अंकल जी टाइप के बन गए होगे। तेरी झंड कर दी भाई। लोग बोलते हैं ना कि लोगों के बोलने से क्या होता है, बच्चे होने के बाद वो लाइफ नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षु बड़ा हो जाएगा ना जब कॉलेज में जाएगा, जब परीक्षु अलग वैलेंटाइन डे मनाएगा, हम अलग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, है ना? और परीक्षु गर्लफ्रेंड मत बनाना, मम्मा को ही दे देना ऐसा। अच्छा हाँ बनाओ, ये ना बनाए।
तो गाइस ये बस एक छोटा सा सरप्राइज था, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सरप्राइज था ये तो। हाँ मतलब ऐसे सरप्राइजेस तो होने चाहिए, रोज अगर ना भी लाते आप ही आ जाते तो भी बहुत अच्छा था, लेकिन बट स्पेशल डे भी कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। हाँ तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस बच्चे होने के बाद भी आप सब लोग इस तरह से आप एंजॉय जरूर करना, अपने लाइफ को मत भूल जाना, बच्चों के साथ साथ सब कुछ एंजॉय करना मेरे और हनी की तरह। और क्या ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको महंगा गिफ्ट देना है, कुछ डायमंड का नेकलेस देना है, नहीं, ये छोटे छोटे गिफ्ट भी खुशियाँ देते हैं, भरपूर देते हैं और अच्छा भी लगता है। हाँ। इससे लगता है कि हम पहले जैसे ही हैं, है ना, एज ए कपल, और ऐसे ही रहेंगे। आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये सरप्राइज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही थोड़ी देर और ही लिए तो डूबूस हो जाएगा इसलिए व्लॉग को करते हैं एंड। बाय।